जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो स्पेशली SSC GD 2024 वाले विद्यार्थियों के लिए, जो सब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक ITBP का आपको एक नोटिस भी दिखाया था, उसके अनुसार ITBP ने डिमांड की थी SSC से कि आप अगले 10 दिन में रिजल्ट जारी कर सकते हैं। हमारी पूरी तैयारियां इसको लेकर हर एक बच्चे के मन में ये रहता कि सर, ये ऑफिशियल नोटिस हम कहां देख सकते हैं या कौन सी वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये क्या ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पेजों पर ये नोटिस मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि जो नोटिस आप देख रहे हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल नोटिस है। ये नहीं जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जाते हैं, ये किसी पब्लिक नोटिस नहीं है। अब ये किसी न किसी लूप होल के कारण बाहर आ जाते हैं, या मान के चलिए कोई भेज देता है उसके कारण ये पहुंच पाते हैं, बाकी ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट या SSC की वेबसाइट पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब, अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाली 16 तारीख तक पूरे पूरे चांस है कि आपके SSC GD का रिजल्ट आ जाए। अब बात यहां आती है कि सर, इस बार SSC GD में भी आर्मी की तरह फिजिकल के साथ ही मेडिकल होगा। तो देखो लाडलू, आर्मी में क्या होता है, आप सबने देखा होगा, आर्मी आप में से कईयों ने पेपर दिया होगा, कई नहीं दिया। आर्मी में क्या होता है, सबसे पहले जब अग्निवीर लागू हुई उसके बाद सबसे पहले पेपर, और पेपर में जो पास होते हैं, यानी जो पेपर में पास होते हैं, उन सब का क्या होता है, फिजिकल, और फिजिकल में जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनका होता है मेडिकल। और जो मेडिकल और फिजिकल दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं वो आते हैं फाइनल मेरिट में। यानी अगर हम देखें, आर्मी में 2 बार मेरिट जारी होती है, एक तो कब, जब पेपर पास के लिए, और दूसरी फिर फाइनल मेरिट। इसके अलावा कोई मेरिट जारी नहीं होती आर्मी में, ध्यान रखना, केवल 2 मेरिट होती है। कितनी? 2। ये तो पेपर पास, जो पेपर पास कर लेगा उसका फिर होगा फिजिकल और फिर उसका होगा मेडिकल। अब SSC GD में क्या होता है वो देखिए। SSC GD में सबसे पहले पेपर, यानी पेपर पास की 1 मेरिट आएगी, जो किए जाएंगे, यानी जो जो पेपर में पास होंगे उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल के बाद फिजिकल पास की भी 1 मेरिट आएगी। अब जो फिजिकल पास होंगे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। अब जो मेडिकल पास होंगे उसके बाद में एक और फाइनल मेरिट आती है, जिसके द्वारा सिलेक्शन होते हैं। यानी इसमें 2 बार आर्मी में मेरिट आती है, जबकि SSC GD में 3 बार होती है। एक तो पेपर पास की मेरिट, फिर फिजिकल पास के बाद में मेडिकल के लिए मेरिट, और फिर फाइनल मेरिट। 3 मेरिट हो गए, जबकि आर्मी में 2 है। कारण क्या है कि क्या SSC भी इस बार फिजिकल के साथ मेडिकल कराएगी? देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, आप समझिए बात। आर्मी में क्या होता है, पेपर में 10 गुना को पास किया जाता है, ठीक है, फिजिकल के लिए। SSC GD में भी 10 गुना पास किया जाता है, ठीक है, 10 गुना के आसपास पास कर दिया जाता है। लेकिन आर्मी फिजिकल में क्या होता है, 10 गुना में से लगभग केवल 2 गुना ही बच्चे पास हो पाते हैं फिजिकल में, क्योंकि इसका फिजिकल जो रनिंग है वो इतनी टफ है। यानी पोस्ट वैकेंसी के लगभग 2 गुना या मैक्सिमम 2 से 3 गुना के बीच में ही पास होता है, इसीलिए इन बच्चों का क्या हो जाता है, मेडिकल टेस्ट हो जाता है। लेकिन SSC GD में क्या होता है कि अगर 10 गुना पेपर में पास किया गया है तो उसमें से 9 गुना पास हो जाएगा। इसलिए किसी भी कंडीशन में 9 गुना बच्चों का मेडिकल टेस्ट करना संभव नहीं है। जैसे मान के चलिए अभी वैकेंसी 50,000 पदों पर है, 50,000 पदों पर ये वैकेंसी अभी, तो लगभग 5 लाख बच्चे मान लो क्वालिफाई होंगे, या 4 लाख 8 गुना भी करेंगे, तो इसके फिजिकल का स्टैंडर्ड इतना हार्ड नहीं है कि इसमें बच्चे रह जाते, 1 गुना या 2 गुना के आसपास ही बच्चे फेल हो पाते हैं इसमें, बाकी 8 गुना पक्का पास हो जाते। 8 गुना बच्चों का मेडिकल टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मान के चलिए कि फिजिकल होने के बाद में फिर मेरिट आएगी और फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल के साथ मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई मेडिकल पॉइंट है, आप ये सोचते हो कि मैं फिजिकल के बाद में इसको ठीक करा लूंगा, जैसे बवासीर हो गए, या कई ऐसे फेमोसिस जैसे पॉइंट है, DNS नाक का पॉइंट है, कई ऐसे पॉइंट है जिसको आप आराम से 20-25 दिन में ठीक करा सकते हैं, जिसके अभी आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि मेरे कहीं फिजिकल में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल ही होगा पहले और बाद में होगा मेडिकल। मेरिट आएगी पहले, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, साथ में नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्मी में क्या होता है कि रनिंग में बच्चे काफी फेल हो जाते हैं। 1600 मीटर जो रनिंग है ना, इसमें मान के चलो 10 गुना पास किया तो उसमें से केवल 2 गुना या 3 गुना यहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फिजिकल में लगभग 8 गुना पहुंच जाते हैं, 8 से 9 गुना। तो इतने बच्चों का फिर मेडिकल करना हार्ड है, इसीलिए इन्होंने बीच में एक और मेडिकल के लिए मेरिट बना दी कि हम उसमें केवल 2.5 गुना बच्चों को बुलाते हैं। ये SSC वाले क्या करते हैं, जैसे पेपर के लिए 8 गुना, फिर उसके बाद में जो फिजिकल मान के चलो उनमें से 7 गुना पास हो गए,
तो उसमें मात्र ढाई गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। इसलिए किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि फिजिकल और मेडिकल साथ हो जाए। समझ के बात को, फिजिकल अलग होगा मेडिकल अलग होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आपके कोई भी चाहे बवासीर हो, पायस हो, हाइड्रोसील हो, वेरिकोज वेन हो, डीएनएस हो नाक में, I6Y6 नहीं हो, लेजर ऑपरेशन कराना है, टैटू मिटवाना है, आराम से। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 101% पहले फिजिकल होगा और फिजिकल के कम से कम 1-1.5 महीने बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। समझ गए बात को। और अगर सब कुछ सही सहकुशल मंगल रहा तो आपका रिजल्ट भी 16 तारीख से पहले पहले या 16 तारीख तक आने का पूरे चांसेस लाड़ दो। अपनी फिजिकल की तैयारी आप जारी रखें क्योंकि मौसम बिगड़ता नजर आ रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी क्या हो जाता है। जहां जिस ग्राउंड में आप दौड़ने जाओगे वहां जरूरी नहीं कि आपको कंफर्टेबल जोन मिलेगा, इसलिए अपने आप को हर एक मौसम के हिसाब से तैयार रखना, बढ़िया से तैयारी करना, मेरिट लो जाएगी, पोस्ट बढ़ने की और उम्मीद बढ़ गई है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा SSC की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें SSC ने सभी डिपार्टमेंट से अपनी पोस्ट और वैकेंसी जो खाली है उसकी डिमांड मांगी है। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं भर्ती जब भी डिले होती है SSC की, हमेशा पोस्ट बढ़कर आती है, इस बार भी बढ़ गई है और उम्मीद करते हैं और भी बढ़ जाएगी। वैकेंसी लगता है 60-70 हज़ार पर कंप्लीट होगी, इसीलिए जिनके नंबर थोड़े बहुत कम ज्यादा भी है फिजिकल की तैयारी पक्के रखना, बाद में पछताना मत कि अब चुग गई चिड़िया खेत, अब पछताए होत क्या, वो वाली कहानी मत कर लेना, समझ जाना ला। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और जिनके नंबर कम है वो साथ में SSC अगली की भी तैयारी करो, 2025 वाली अगस्त में पक्की है भर्ती भाई। ठीक है।